नई हुकूमत के पुराने फैसले के हवाले से पंजाब पुलिस फिर से पुरानी वर्दी पहनेगी। तर्जुमान वजीर आला डॉक्टर शहबाज का कहना है कि आईजी पंजाब पुरानी यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके हैं। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में तब्दील हुई थी। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदगान लाहौर न्यूज यासिन मलिक और मुदस्सिर हुसैन से। बात करेंगे यासिन मलिक से। यासिन बताएगा वर्दी पुरानी ही चलनी थी तो फैसले में इतनी ताखीर क्यों की गई है और पुलिस एहलकार सर्दी में कश्मकश का शिकार रहे कि क्या पहने। बिलआखिर पंजाब पुलिस की सुनेगी, उनकी ख्वाहिश पूरी होगी है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पंजाब पुलिस अगले साल 1 जुलाई से पुरानी यूनिफॉर्म ही पहनेगी। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आईजी पंजाब अमजद जवेद सलीमी पंजाब पुलिस के लिए पुरानी वर्दी यूनि इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके हैं। तहां पंजाब पुलिस की पुरानी वर्दी पहनने के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने कोई ऐसी हदायत नहीं दी। वाजे रहे कि पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म साबिक वजीर पंजाब शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत जहीर हुई थी, जिस पर कसी रकम खर्च की गई थी, मगर नई वर्दी पुलिस मुलाजमीन समेत मुतअद्दिद हलकों को पसंद नहीं आई थी। इस पुरानी वर्दी की बहाली के बाद एक बार फिर इस यूनिफॉर्म पर कसी रकम खर्च होगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसके पास इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो हम ये भी बताता चलूं कि क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक पंजाब पुलिस की वर्दी 4 बार तब्दील हो चुकी है। जी हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा।